मैंने मंगाए हैं विद्यांजलि से कुछ प्रोडक्ट्स, तो आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मैं अनबॉक्सिंग करूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ मंगाया हुआ है, और डिटेल वीडियो बाद में है कि किसका क्या यूज़ है। तो चलिए मैं फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। सभी को मैं दिखा रहा हूँ, मैं एक एक निकाल करके। इसमें देखिए मैंने जो मंगाए हैं उसमें है एक वेलकोनो आइस फेस वाश है, ये दूसरा है रोज मिंट स्क्रब बाय विद्यांजलि, दो इसमें से एक्टिवेटेड चारकोल सोप हैं, एक फेस क्रीम है, एक ये सोप है, और है मेरे पास तो हिमालय हर्ब सोप है। ये शैम्पू सोप है, एक्चुअली मैंने शैम्पू का यूज़ करना बंद कर दिया है, तो मुझे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पू, वो मैंने ये दो पीस मंगाए हैं, और एक है ये देसी नीम सोप। ये मैंने मंगाया है एक हेयर मास्क, ये मैंने मंगाया है हेयर मास्क, ये है हल्दी बेसन सोप, एंड द लास्ट वन इज वर्जिन रोज वाटर। जैसे कि आपको पता है कि विद्यांजलि के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अपने केमिकल फ्री और बहुत ही अच्छे ग्रेड के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मैंने पहली बार इनके प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहा हूँ। इसका सभी को मैंने किस कौन सा चीज़ किस लिए मंगाया है इसका मैं डिटेल रिव्यू बाद में दूंगा, अभी ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ मंगाई हुई है। डिटेल वीडियो की कौन सा सोप मैंने किस चीज़ के लिए मंगाया है, इस शैम्पू सोप के बारे में और फेस वाश के बारे में, उस क्रीम के बारे में, इसकी डिटेल रिव्यू मैं बाद में दूंगा। तब तक आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स और इनका यूज को देखते हुए कैसे क्या यूज करना है उसके बारे में। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।